Alright, so hey guys, what up everybody, it's Shah back again with the new video, baby. Alright, so guys, आज का व्लॉग शुरू करते हैं. तो आज का जो मेरा व्लॉग है वो मैंने अपने घर के अंदर शूट करना है. क्यों? क्योंकि मुझे कुछ दिन पहले मुझे एक मेरी वीडियो पे कमेंट किया था एक लड़का. कि भाई जहाँ भी जाते हो, जब भी जाते हो तो एक ही जूती पहन के जाते हो, एक ही शूज़ पहन के जाते हो, क्या आपके पास और कोई शूज़ नहीं है? तो आज की जो हमारी वीडियो है स्पेशली उसके लिए मैं बना रहा हूँ कि मेरे पास क्या है क्या नहीं. आज मैं आप सबसे अपने जो शूज़ की कैटेगरीज हैं, जो मेरे पास जितने भी शूज़ हैं, पुराने हैं या नए हैं, जितने भी हैं, मैं आप सबसे वो शेयर करूँगा. और जो कैटेगरीज मैं पहनता हूँ, जो कि पुरानी कैटेगरी है, जो कि नई कैटेगरी है, ज़्यादा बड़ा कलेक्शन नहीं है मेरे पास, थोड़े से शूज़ हैं. तो छोटी सी वीडियो बनेगी. स्पेशली वीडियो बनाने का मकसद ये कि जिस भाई ने मुझे ये कहा है कि भाई तेरे पास कुछ नहीं है पहनने को, तो एक ही चप्पल पहन के सारी वीडियोस बना रहा है यूट्यूब पे, जो भी बना रहा है, तो भाई तू अब देख ले कि मेरे पास क्या है क्या नहीं. बस फ़र्क इतना है कि मैं वो चीज़ें पहनता नहीं, और वो जो मेरी चीज़ें वो मुझे पसंद बहुत हैं. जो मेरे पुराने कलेक्शन है शूज़ के, मैं आप सबसे वो आप सबको वो भी दिखाऊंगा, और जो मेरे पास न्यू कलेक्शन है वो भी दिखाऊंगा. भाई तू स्पेशली देख लियो, मुझे फिर पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं. कमेंट करने से पहले सोचा करो कि क्या कमेंट कर रहे हो क्या नहीं. तो आज का जो हमारा व्लॉग है वो है कलेक्शन को दिखाना. स्पेशली मैं आपको दिखा रहा हूँ मेरे प्यारे भाई, लाजमी देखना. और मैं उसका नाम मेंशन नहीं करूँगा, फिर भी जो उसका कमेंट है वो मैं कोशिश करूँगा कि आप सबको दिखाऊँ. अब अपनी कलेक्शन को शुरू करते हैं, तो आप सबको अपना कलेक्शन दिखाते हैं. छोटा सा कलेक्शन, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटी सी छोटा सा व्लॉग बनेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा. तो अब आप सबको अपना कलेक्शन दिखाता हूँ, देखें आप सब क्या है क्या नहीं. अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब करो बेबी. ऑलराइट, सो गाइस, अब मैं तुम सबको अपना कलेक्शन दिखाने जा रहा हूँ. मेरे शूज़ का कलेक्शन है, तो मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूँ कि स्पेशली मेरे भाई तू देख ले कि मेरे को कौन सा कलेक्शन है कौन सा नहीं. इस भाई ने जो मुझे मैसेज किया कि भाई आप जहाँ भी जाते हो एक ही चप्पल पहन के जाते हो, तो स्पेशली आज की जो वीडियो वो तेरे लिए ही है कि तू देख और मुझे बता. आप आप सब ने देखे होंगे, जिसने देखे उसको पता है ये शूज़ कौन सा नहीं. तो मेरे भाई, शायद तूने भी देखे हो, शायद ना भी देखे हो, तो ये वो शूज़ है जो मैंने ईद पर लिया है. तो आप सब देख सकते हो, तो ये बिल्कुल नया ही पड़ा है शूज़ पर. तो ये वो जूता है जो कि मैंने लिया था तकरीबन 1.5 से 2 साल पहले. तो आज भी तुम इसकी हालत देख सकते हो, बिल्कुल न्यू पड़ा हुआ है, कहीं से भी थोड़ी सी भी ख़राबी नहीं है इसमें. क्यों? क्योंकि मैं अपनी चीज़ों की बहुत ज़्यादा हिफाजत करता हूँ. मैं अपनी जो चीज़ें वो किसी के साथ भी शेयर नहीं करता, क्योंकि जो चीज़ मेरी है वो मेरी है. तो इसी वजह से ये चीज़ साफ पड़ी है. तो इसको मैं जब भी कहीं जाता हूँ, दूर वगैरह कहीं भी वीडियो बनाने जाता हूँ, तो मैं इसको स्पेशली तब पहनता हूँ. चप्पल मैं इस वजह से पहनता हूँ क्योंकि मैंने 2 से 3 वीडियो चप्पल में बनाई हैं. वो मैंने इसलिए बनाई हैं, मैं गर्मी की वजह से मैं बंद शूज़ नहीं पहन सकता था. पहनने को मैं ये भी पहन सकता था, लेकिन ये भी मैंने अभी कुछ दिन पहले ही लिया है. तो बंद शूज़ मैं नहीं पहन सकता, गर्मी लगती थी. तो चप्पल मैं इस वजह से चप्पल में मैंने वीडियोज़ बनाई हैं. तो वजह ये थी. तो ये है वो शूज़ जो मैंने 1.5 से 2 साल पहले लिया था. देख सकते हो बिल्कुल कंचा पड़ा हुआ है. तो भाई आंखें खोल के देख ले, 2 शूज़ दिखा चुका हूँ, 2 जूते तुझे मैं दिखा चुका हूँ. आगे दिखाता हूँ आगे क्या है क्या नहीं. तो कभी भी कमेंट कर, तो कमेंट करने से पहले ये लाजमी सोचे कर कि तू क्या लिख रहा है और क्या नहीं. तो आज का जो हमारा व्लॉग था वो मैंने तेरे लिए ही बनाया है, तो तू देख, तो तू अब देख, आगे खोल के देख क्या है क्या नहीं. तो चप्पल पहनने का ये मकसद नहीं है कि हमारे पास कुछ नहीं है. तो ये आज की जो हमारी वीडियो है वो तेरे लिए है, तो तू वीडियो देख. अब आते हैं इस शूज़ पर. तो इस शूज़ को अगर तुम देखो तो ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है. ये मेरा सबसे ज़्यादा यहाँ से टूटा हुआ भी है.
ये जो शूज़ है ये मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट शूज़ है। क्यों? क्योंकि मैंने इससे बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाई है। मैं कहीं भी वीडियो बनाने जाता था तो मैं इसे पहनता था। ये मैंने सर्दियों में इतना पहना है कि मैं तुम बता नहीं सकता। तो ये जो मेरा शूज़ है ये मैंने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है और ये मेरा सबसे फेवरेट शूज़ है। इस टाइम इसकी जो हालत है ये बिल्कुल हैंड ओवर पड़ा, तब भी मैं इसे नहीं फेंकूंगा क्योंकि ये फेवरेट शूज़ है तो मैं इसे बिल्कुल नहीं फेंकूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पसंद बहुत है। तो जब तक ये चलेगा मैं चलाऊंगा, अगर ये टूट भी जाएगा फट भी जाएगा तब भी मैं इसे नहीं फेंकूंगा क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं अपनी चीज़ों की बहुत ज़्यादा केयर करता हूँ और ये वो शूज़ है जिसे मैं अभी और वीडियोज़ भी बनाऊँगा, चाहे ये फट भी जाए उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि सब क्या कहेंगे भाई फटे हुए शूज़ से वीडियो बना रहे या कुछ भी, मुझे ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस मैंने ये देखना है कि मैं इसको पहन के खुश हूँ, इतना काफ़ी है मुझे। तो ये वो शूज़ है जो कि मैंने तकरीबन चार साल पहले लिया था और मैं इसको इतना पहना है कि अब आप सब देख सकते हो कि इसकी हालत कैसी है कैसी नहीं। तो अब चलते हैं अगले शूज़ की तरफ। ऑलराइट, सो गाइस, अभी शूज़ की अगर मैं बात करूँ तो ये थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है, पता नहीं क्यों हुआ है। तो ये जो शूज़ है ये मैंने लिया था, इसके साथ ही लिया था मैंने 5-6 साल पहले, इसको भी मैंने लिया था। तो ये भी देख लो बिल्कुल नया पड़ा, मैंने इसको पहना नहीं है, बस मुझे सही नहीं लगता था ये, मैंने पहना नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने इसे फेंका नहीं, मैंने किसी को दिया नहीं क्योंकि मैंने इसे पहना भी नहीं और मैंने किसी को दिया भी नहीं और मुझे ये पसंद बहुत है, मैंने किसी को भी नहीं दिया। तो ये वो शूज़ है जो कि मैंने, ये भी इस शूज़ के साथ मैंने 6 साल पहले लिया था। अब आती है सैंडल पर, ये आखिरी सैंडल है। इसके अलावा एक और भी मेरा शूज़ है, वो मेरा जो है वो ऊपर पड़ा हुआ है, मैं उसकी वीडियो नहीं बनाऊंगा। तो ये जो सैंडल है कंचा पड़ी हुई है, थोड़ा सा रफ होगा, ज़्यादा नहीं है रफ। तो 10/8 इसकी कंडीशन पड़ी हुई है। ये सैंडल है वो जो मैं पहनता था। तो ये भाई तू देख ले, तेरे लिए मैंने वीडियो बनाई है, मेरा बनाने का कोई ऐसा इरादा नहीं था ये वीडियो। तो जो मैं आज की वीडियो मैंने बनाई है ये सिर्फ तेरे लिए बनाई है, तो ये देख ले, ये कलेक्शन है हमारा। ये कलेक्शन है मेरे शूज़ का, तू देख ले। और अगर आप सबको ये कलेक्शन अच्छा लगे, मेरे लिए तो अच्छा ही है, चाहे जैसा भी है मेरा अपना कलेक्शन है, मुझे बहुत पसंद है। तो आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। ऑलराइट, सो गाइस, आज की जो हमारी ये वीडियो थी ये मैंने किसी को नीचा नहीं दिखाना था या कुछ भी नहीं करना था। ये भाई ने मुझे कमेंट करके कहा था कि भाई तुम जहाँ भी जाते हो चप्पल पहन के जाते हो, चप्पल के अलावा कुछ नहीं पहनते, जब भी वीडियो बनाते हो चप्पल में बनाते हो। तो ये भाई कलेक्शन था, छोटा सा था, ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, गरीब से बंदे हैं। तो ये कलेक्शन था जो मैंने आप सबके साथ शेयर किया। ये शूज़ हैं, मैं इनको पहनता नहीं हूँ, मैं मानता हूँ मैं नहीं पहनता, मैं वीडियो बना जाता हूँ, मैं चप्पल में जाता हूँ क्योंकि मुझे चप्पल में ही कंफर्टेबल लगता है। चीज़ मैं वो पहनता हूँ जिसमें मुझे कंफर्टेबल लगे। तो अभी गर्मियों के दिन है तो गर्मियों में शूज़ वगैरह पहनना तो मुश्किल है, लेकिन कभी भी किसी को भी कोई भी कमेंट करें तो थोड़ा सोच के करें कि क्या मैं लिख रहा हूँ क्या नहीं। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो जो मैंने आप सबके साथ शेयर किया। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। Alright, so guys, I hope you enjoyed this video. Make sure subscribe my YouTube channel, press the bell icon, never give update. Still love, sexy baby.